मेरा बैल हूँ, आपका अपना बैल हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। जिस उम्र के रिश्ते से मेरा आपसे रिश्ता है वो मैं उसका आपके साथ जोड़ रहा हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस माशरे की आंखें और कान बने और हमारे मुस्तकबिल को, हमारे आने वाले नस्ल को बचाएं। ये मैसेज है जो मैं कहना चाहता हूँ। उसमें मैं भी बड़ी बात छोड़ दें कि आप तमाम लोग पुलिस हैं और पुलिस अकेली आप में से अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप आंखें खुली नहीं रखेंगे, अपनी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने माशरे में बुराइयों को रोकने अगर आप खुद रुकेंगे तो बिगाड़ पैदा होगा लड़ाइयों से। पुलिस का निज़ाम, पुलिस का महकमा इसी काम में भी है। और इंशाल्लाह ये मैं आप मुस्लिम में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, हम ये साबित करेंगे कि हम इस आपके इस शहर को, इसके इलाके को जरैम से पाक इलाके कराते हैं। वो आपके काम से मैं अकेला पुलिस की तरफ से पूरा नहीं आ सकता। इस गली में मैं अपने कौमी प्रत्यक्ष के साथ नहीं बस वहाँ थोड़ा छोटा है, मुझे हर घर का पता है कि कौन कैसा है। तो कारण मैं अपने गाँव का मनमाप रख सकता हूँ। तो इतनी मनमाप हर गली में होती है कि अगर एक बच्चा बेरहमी का शिकार हो गया और वो मजबूरी भी नहीं करता, रोजी भी नहीं करता, फिर किसी नए मोटरसाइकिल पर चला रहा है, जरूर है कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा है, तो ऐसी बात कर रहा है जो उसकी जरिए माश कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए कि जहाँ पे नजाय मसला है, जहाँ पे मुंशियात है, जहाँ पे मजाहब में आपस में लड़ाई करने के लिए फिरका वारियत का मटीरियल छपता है या कोई उसके साथ बखाना खोला हुआ है, बच्चों को बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, उन तमाम को रोक सकते हैं और अभी से रोक सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें किताबें नहीं खोलनी पड़ेगी। इसके लिए अगर रोकना है तो बस यहीं पे वहीं पर रुक जाए। मेरा ये मैसेज आपको देने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस जो मॉडर्न बुराइयाँ हमारे घर में दाखिल हो गई है उनको रोकने के लिए, ताकि हमारा मुस्तकबिल, ताकि हमारे बच्चे न हो, जो हमारा मुस्तकबिल, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, जो एक मौत जब किसी को आती है तो बच्चे जो है ना मौत को नहीं चढ़ा रहे होते कि अभी नस्ल चाहिए चक्कर। तो अगर हम अपने बच्चों को बेरहमी का जिसका शिकार हो गए रोज हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो ये नस्ल बहुत जल्दी मुझे लगता है। मेरी ये छोटी आशा आपको अच्छी लगे इसको आप कर लें, अगर बुरी भी लगे तो मुझे माफी दे दें, लेकिन एक बात शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी पुलिस है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उनकी तनखाएँ इतनी हैं आप जैसे तमाम जिम्मेदार के बराबर हैं, ज्यादा नहीं तो बराबर है कम नहीं। अगर मेरा जवान 50,000-500 तनख्वाह ले रहा हो तो उसको 30 तारीख उसके अकाउंट में चले जाते, उसको जाना नहीं पड़ता है। अगर वो फिर वर्दी पहन के आप उनको तंग करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, उसकी कोई शिकायत नहीं। ये मैं बगैर किसी खौफ के कह रहा हूँ, आपका मैसेज आएगा मुझे, आपकी मुझे कॉल आएगी, मैं उसकी इंक्वायरी करूँगा, इंक्वायरी के बाद अगर वो सुन पाए तो शाम तक ही तक उसको मैं उस जगह भेजूँगा जहाँ पे उसको होना चाहिए। लिहाजा ये जो आपके जहन में खौफ है तो पुलिस वाले को बता देंगे नहीं, मैंने आपको अपनी जमानत दी है, तो आपके मैं आपका नाम नहीं बताऊँगा, मैं उसके लक्षण देखूँगा, उसकी चाल देखूँगा। अगर वो तो पुलिस वाला आपको तंग कर रहा है, पुलिस वाला आपसे पैसे ले रहा है, आपके किसके हराम में कहीं पर चोरी करने की कोशिश कर रहा है, टिकेटी करने की कोशिश कर रहा है, डाकू रोड पर खड़ा होते हैं यूनिफॉर्म में टिकेटी कर रहा है, उसके लिए कोई मामला नहीं। ये मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप मेरी कानून पर आगे हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताएं। और ये पैगाम तमाम को दे दूँ, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उन तमाम को मैसेज करने का है। और हमने ये जो बात आज यहाँ की है, हम सबसे जब मैंने इनके साथ अपने दस में आना चाहूँगा तो मैं कहा कि बच के मैं आज आपका मस्जिद में आना चाहता हूँ, हमेशा आपको मेरे दस्त बाजू में है
سوال کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، میری پوسٹنگ میں کسی پولیس والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کو ڈاکہ مارا ہو، رشوت لی ہو، وہ میں آپ کے سامنے جواب دے مجھے بتائیں، میں ان شاء اللہ آپ کی حفاظت کروں گا۔